सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शैलेन और राइड पर गाइड में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं कर रहा था, जिसके पीछे रीज़न ये था कि मेरा जो एक्शन कैमरा है उसका माइक ख़राब हो गया था, एक्सटर्नल माइक, और एक्शन कैमरा का जो जैक होता है वो भी ख़राब हो गया दूसरी वजह से। तो इन सब के प्रोसीजर में, चेंज करने में, चेक करने में बहुत सारा टाइम लग गया। तो अभी मैं हूँ अपने घर पर लखनऊ में और कुछ काम से निकल रहा हूँ कानपुर के लिए। पीछे देख रहे हो, पेड़ कट रहा है, आम का पेड़ है। तो अभी निकल रहा हूँ कानपुर के लिए कुछ काम थे, तो ब्लॉग भी कर लेंगे और एक्सटर्नल माइक है उसकी विंड ब्लास्ट कितना था वो भी चेक कर लेंगे। अभी चलते हैं, रोड पर मिलते हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, फॉग हो रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करिए, और इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर मैं अपनी सारी लेटेस्ट स्टोरी और लेटेस्ट फोटोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे रोड पर, बाय बाय। उधर भी पूरा ऐसे डेवलप करा गया है। तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि कानपुर सेंट्रल की तर्ज पर बनाया गया है वो है ये परिवर्तन सेंट्रल। जैसा कि आप सामने देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा बनाया गया है ये, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। वहाँ पर इंजन सब रखा गया है। ये कानपुर रेलवे स्टेशन का पूरा एक कॉपी करके यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। परिवर्तन सेंट्रल पर लखनऊ है मंदना जाने के लिए यहाँ उतरे, हम यहाँ उतर गए हैं। और यह है परिवर्तन सेंट्रल जो कि कानपुर सेंट्रल की बेसिस पर बनाया गया है, उसी की कॉपी है। तो अभी आपको दिखाते हैं अच्छे से। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं परिवर्तन सेंट्रल पर, जैसा कि देख सकते हो, और लखनऊ है मंदना जाने के लिए यहाँ उतरे हैं। और ये बनाया गया है कानपुर सेंट्रल की बेसिस पर पूरा। और ये देख सकते हो यहाँ लिखा है परिवर्तन सेंट्रल, और ये पूरा स्टेशन ऐसे बना है। और देख सकते हो यहाँ पर लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं अच्छे से। और अगर आपने कभी झगरगटी एक्सप्रेस देखी है कि नहीं देखी है, तो ये रही झगरगटी एक्सप्रेस। गाइड मैं हूँ इसमें परिवर्तन सेंट्रल पर, जो कि कानपुर सेंट्रल के बेसिस पर बनाया गया है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा। तो आइए थोड़ा सा आपको और भी दिखाते हैं। और ये कानपुर बैराज के पास में भी है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी घूम सकते हैं। और उधर अटल घाट है, वो है गंगा बैराज। छोटा सा रेल का इंजन लगाया गया है जो कि अच्छा लग रहा है देखने में, और उसमें ट्रैक भी बनाया गया है।
तो ये घूमने का बहुत ही अच्छा स्पॉट है ये, आप आ सकते हो। सामने लखनऊ जाने का रास्ता है गंगा बैराज वाला। तो गाइस ये छोटा सा वीडियो था लोगों के लिए, अगर आप वीकेंड पर आना चाहते हैं यहाँ पर सैटरडे संडे आइए घूमिए। तो अभी मैं आया हूँ कुछ काम से कानपुर, तो उस काम को फिनिश करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं।